देखिए कुल मिलाकर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हमला हुआ। उस वक्त वो नारा शहर में मौजूद थे, वहां पर वो भाषण दे रहे थे, लोग उनके आसपास उन्हें सुन रहे थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वहां पर कुछ ऐसी घटना घट सकती है। अचानक से शिंजो आबे जहां खड़े थे उनके पीछे से आवाज आती है गोली चलने की, लोग अफरा तफरी में भागते नजर आते। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिंजो आबे उसी मंच पर जहां खड़े थे वहीं वो गिर गए। प्रभु दयाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। प्रभु दयाल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जापान जैसी जगह पर पूर्व प्रधानमंत्री पर अगर हमला ऐसे हो जाता है तो इसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, मैं बहुत हैरत से इस हादसे को देखता, क्योंकि जापान में बहुत टफ गन कंट्रोल कानून है, और उस हालांकि जापान की जो पॉपुलेशन है वो करीब 125 मिलियन है, लेकिन साल में जो गन वायलेंस से जो डेथ्स होती है वो बहुत ही कम होती है, सिंगल डिजिट में ये डेथ फिगर्स होती हैं। अमेरिका जैसा नहीं है कि वो वहां आसानी से गन कोई ले सकता हो। जापान में गन लाइसेंस प्राप्त करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। जापानी नागरिक जो गन चाहते हैं और गन लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उनको एक पहले शूटिंग एसोसिएशन से रिकमेंडेशन प्राप्त करना होता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो ऐसे कैसे किसी एक नागरिक के पास या किसी सज्जन के पास गन मौजूद थी और वो ऐसे ही गैदरिंग में गया और शिंजो आबे को मार दिया, ये बहुत हैरत अंगेज बात है। भारत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं हादसा है, क्योंकि शिंजो आबे भारत के बहुत बड़े दोस्त थे। इंडिया जापान जो एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की थी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाएं। कुछ देश जैसे चीन है, चीन को उनसे नाराजगी थी। जैसे अभी मैं सुन रहा था, जनरल साहब बोल रहे थे कि वो साउथ चाइना सी में जो झगड़े हैं और सिनकाकू आइलैंड को लेकर तनाव है, तो चीन जो है वो उसका नजरिया बिल्कुल फर्क है, लेकिन भारत के तो वो बहुत नजदीक थे, बहुत दोस्त है। तो हमें बहुत बहुत दुख है उनके इस तरह से उन पर गोली चलाने का, और उनकी जो हालत है मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा रहा है कि क्या हुआ अभी और या वो जिंदा है नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि उनके जो जो कार्डियक पैरामीटर्स है वो नहीं है। तो हम सब देख रहे हैं और आपके जरिए ही, मीडिया के जरिए हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा दुखमय जो इंसिडेंट है। आपको बताया शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर है, आज सुबह ही उन पर एक हमला हुआ, उन पर फायरिंग हुई है, एक गोली सीधे सीने में लगी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन यह बताया गया कि जिस वक्त गोली लगी उसी वक्त उनको हार्ट अटैक भी आ गया। फिलहाल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने शिंजो आबे पर हमला किया था, गोली चलाई थी। एयरलिफ्ट करते वक्त आबे की दिल की धड़कन रुक गई थी, शिंजो आबे की सांस नहीं चल रही थी, ये भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी अस्पताल की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस बाबत सामने नहीं आया है। शिंजो आबे पर जापान के अधिकारी का बयान जरूर सामने आया है और अधिकारी कह रहे हैं कि एयरलिफ्ट करते वक्त बंद थी आबे की दिल की धड़कन। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब लोग वहां पर उनके पास पहुंचे थे, उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिशें हो रही थी। फिलहाल जापान के अधिकारी का बयान आया है कि जब एयरलिफ्ट किया जा रहा था तब उनकी सांसें नहीं चल रही थी, दिल की धड़कनें रुक गई थी। अस्पताल में इस वक्त वो मौजूद हैं, लेकिन अभी अस्पताल की तरफ से आधिकारिक जानकारी कुछ सामने नहीं आई कि शिंजो आबे की तबियत अभी कैसी है। सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब ये हमलावर
वहां पर पहुंचता है शिंजो आबे, जहां पर भाषण दे रहे थे क्योंकि रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। आबे वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे और उसी बीच जब उनके समर्थक आसपास मौजूद थे, ये शख्स पहुंचकर पीछे से हमला करता है। बहुत ही पास से यह हमला होता है, सीधे सीने पर गोली जाकर लगती है। एक और फायर हुई लेकिन अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि दूसरी गोली भी क्या शिंजो आबे को लगी है, लेकिन एक गोली जरूर सीने में लगी जिसके बाद वही गिर गए। उन्हें फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जापान के अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं कि जब एयरलिफ्ट कराया जा रहा था उस वक्त ही उनके धड़कन थम चुकी थी, सांसें रुक गई थी। अस्पताल की तरफ से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। फिलहाल वो शख्स जिसने गोली चलाई थी उसको पकड़ लिया गया है। वो शख्स गोली मारने के बाद वहीं पर खड़ा नजर आया। सुरक्षा बल के जो लोग थे उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार वजह क्या थी इसके पीछे, ये बड़ा सवाल है। अब इसकी जांच जरूर होगी, लेकिन इस वक्त सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि शिंजो आबे की हालत अब कैसी है, क्योंकि जो जापान के अधिकारी हैं जानकारी दे रहे हैं कि जब एयरलिफ्ट किया गया था, यानी जिस जगह पर गोली लगी और वहां से जब अस्पताल तक उनको ले जाने की कोशिश हो रही थी, उसी वक्त उनके दिल की धड़कनें रुक गई थी, सांसें उनकी रुक गई थी। अस्पताल की तरफ से क्या जानकारी मिलती है उस पर रहेगी नजर। तो जापान के सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम, 52 साल की उम्र में जापान के पीएम बने थे शिंजो आबे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे शिंजो आबे। उन पर आज यह हमला हुआ, सुबह 9:30 बजे का वक्त वहां पर था जिस वक्त वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उस वक्त यह हमला उन पर होता है। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल सिवाज, जिस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि अब कई चीजें कही जा रही हैं, ये कहा जा रहा है जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि गन कल्चर नहीं है, बावजूद इसके वो गन लेकर पहुंच जाता है, लेकिन एक बात बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरीके की सुरक्षा जापान में दी जाती है, क्योंकि यहां पर तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक खुला मैदान है जहां पर वो मंच पर खड़े हैं, आसपास लोग हैं, क्या इतनी आसानी से इतने नजदीक तक गन लेकर पहुंचा जा सकता है? देखो, इसमें कोई शक नहीं, सिक्योरिटी लेफ्ट टू है। ये मानता हूं कि वहां पर कोई गन कल्चर नहीं है जापान में। जापान के अंदर एक लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है, और सच्चाई ये बात भी है कि जिस प्रकार से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। ये जो गन के साथ कैसे इस इलाके में आ गया, फिर ये कितनी नजदीकी कैसे हासिल कर दी, आखिर जो आप एक पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं डोमेस्टिकली नहीं, नेशनली भी, तो कहीं ना कहीं चूक है इस पर नहीं। और ये एक इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि जिस शख्स ने ये फायर किया है ये कौन था, इसकी क्षमता क्या थी, इसके पीछे कौन है। एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि उसने फायर करने के बाद वो वहां से भागा नहीं, और ऑलमोस्ट उसने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, तो ये भी चीज एक कहीं ना कहीं पहलू ले जाएगी। मगर ये सच्चाई है कि शिंजो आबे एक बहुत टॉल लीडर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। वो जो जिस प्रकार से वो 7-8 साल रहे जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो रिलेशनशिप बढ़ाए अमेरिका के साथ भी, भारत के साथ, क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, वो इंजन माने जाते थे क्वाड के। जिस प्रकार से उन्होंने क्वाड को रिवाइव किया था, और जिस प्रकार से क्वाड के चारों मेंबर थे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और जिस प्रकार से उन्होंने तीन प्रिंसिपल एक साथ से कहा था, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंटरनेशनल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और कहीं ना कहीं उनका जो टकराव था वो चीन के साथ ही है, क्योंकि वो है सैन काकू आइलैंड के कारण जो ईस्ट चाइना सी में। ओवरऑल जो भी उनकी जो छवि थी इंटरनेशनली, वो एक बहुत ही टॉल लीडर की थी, उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट थी, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो या क्वाड के और मेंबर या यूरोप हो। तो ये सच्चाई है कि ये एक साल आना की क्या वजह थी कि एक जो लोकल इलेक्शन होने हैं, डोमेस्टिक इलेक्शन होने हैं, उसके अंदर एक शख्स इतना नजदीक आ गया, कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ, किस तरीके से उसने फायर किया और कौन वो है, किसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे लगता है जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। मगर ये एक बहुत दुख भरी दास्ता है भारत के लिए, स्पेशली क्यों भारत के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे शिंजो आबे जो हैं,
और शिंजो आबे की एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रही जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो है इस जो भी सिचुएशन है उसको बड़े ध्यान से देख रहा है, मगर ये एक बड़ी दुख भरी दास्ता है कि जिस प्रकार से एक यूथ इतनी नजदीक आके पुराने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के साथ दो फायर करता है और उसके बाद फिर आत्मसमर्पण करता है। तो मुझे यही है, ओवरऑल आप यही कहेंगे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक है और बहुत बड़ी चूक जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।